वी आर डिस्कसिंग द सेमीकंडक्टर क्वेश्चन. इसमें दिया है कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट वोल्टेज फॉर अ बेस बायस ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर कॉन्फिगुरेशन हैज शोन. फॉर यूजिंग ट्रांजिस्टर एज स्विच इट इज़ यूज इन विच रीजन ऑफ ग्राफ. ओके, तो हमें बताना है कि कॉमन इमीटर ट्रांसमीटर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर अरेंज है, तो कौन से रीजन में यह ट्रांजिस्टर एज अ स्विच यूज़ होगा. तो ट्रांजिस्टर जो है, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है ट्रांजिस्टर मीन्स नॉट गेट, ये रिमेंबर रख, इसे रिमेंबर रखिए हमेशा. तो इसका मतलब क्या होगा ये कि जब भी हम इनपुट वोल्टेज हाई देंगे तो आउटपुट वोल्टेज लो होगा, और आउटपुट इनपुट जब हम लोग हाई देंगे तब आउटपुट लो होगा. तो ऐसा कहाँ दिख रहा है हमें, देखिए ये इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे हमने इनपुट लो दिया तो आउटपुट हाई आया, यहाँ पे हमने इनपुट हाई दिया तो आउटपुट लो आया. इसका मतलब 1 और 3 रीजन में ट्रांजिस्टर को हम लोग स्विच की तरह यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो 1, 2 और 3 रीजन के नाम भी होते हैं, वो हम लोग लिख लेते हैं. कट ऑफ, एक्टिव और सैचुरेशन. दैट्स ऑल.